ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर भरतपुर के कामा से आ रही है, जहां अवैध खनन को लेकर दो पक्ष हुए हैं आमने सामने और कहा सुनी के बाद यहां फायरिंग भी हो गई है। गोली लगने से एक युवक फकरू मेव की हुई है मौत और आधा दर्जन लोग छर्रे लगने से हुए हैं जख्मी। कामा डीएसपी राय सिंह बेनीवाल पहुंचे हैं मौके पर और मृतक के शव को रखवाया है कामा अस्पताल की मोर्चरी में। घायलों का कामा अस्पताल में उपचार चल रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कैसे ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग की नौबत आ गई और फिलहाल क्या स्थिति? जी दिव्या, बिल्कुल बताना चाहूंगा। पहाड़ी थाना क्षेत्र के मुगस का गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां अवैध खनन को लेकर और एक ट्रैक्टर के विवाद को लेकर दो पक्षों में इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों ही ओर से जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति है जिसको गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल और चोटिल यहाँ पर हुए हैं। सूचना मिलते ही पहाड़ी थाना पुलिस व कामा सर्किल सीओ राय सिंह बेनीवाल मौके पर पहुंचे और वहां पर हालात पर काबू पाने के बाद सभी घायल हैं उनको कामा के अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका उपचार भी चल रहा है और लगभग सभी की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं मृतक के शव का जो शव है उसको मोर्चरी में रखवा दिया है, उसका कल पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंपा जाएगा, ये जानकारी अभी तक हासिल हो पा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। तो सभी घायलों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है और फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अवैध खनन को लेकर ये दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे और उसके बाद कहा सुनी के बाद फायरिंग तक की नौबत आ गई थी, जिसमें आपको बता दें कि 6 लोग जख्मी भी हो गए, उनका इलाज चल रहा है और गोली लगने से एक युवक फकरू मेव की मौत हो गई।